बहुत अच्छा है, ये मिष्टी का, ये मुकुल का इग्लू और ये है मेरा। टड़ा टड़ा है मिष्टी, थोड़ा डांस करोगी क्या? ओय होय ओय होय ओय होय ओय होय होय पूरा तोड़ दिया ये तुमने बहुत गलत किया। अब मैंने आज है डे 3 और आज हम लोगों का इस होटल से चेकआउट करने का टाइम है 10 o'clock में। तो सुबह में हम लोग बस जिस बीच पे रुके हैं, कैलंगुट बीच पे, इधर ही आके बीच साइड पे बैठे थे मिष्टी के साथ सुबह सुबह। और देखते हैं अभी हम लोग होटल वाले से बात करेंगे, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा दूसरा होटल बुक है। हमारी रात की ट्रेन है 11 बजे की बैंगलोर के लिए, तो हम लोग 4 बजे को गोवा छोड़ देंगे, पंजिम चले जाएंगे, फिर वहाँ से हम मडगांव से हमारी ट्रेन है तो उधर चले जाएंगे। तो आज प्लान तो था हमारा बर्ड सेंचुरी वगैरह जाने का, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि मिष्टी बहुत थक जा गई है, तो उसको थोड़ा रेस्ट करने दिया, हम लोग भी थोड़ा रेस्ट ही कर रहे थे। तो अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं, जो भी करेंगे आपको बताएंगे ही। तो अभी थोड़ी देर यहाँ इंजॉय करते हैं, फिर होटल चल वेव आएगा ख़त्म करके चला जाएगा। ताची मिष्टी गया गया मुकुल पर हार्ट नहीं बनाया आपने, हार्ट बना के उसके अंदर एम लिखो, अब ये भी अच्छा है ना उनका। सुबह सुबह इस अंकल के दर्शन हो गए हमारे इतने सारे टैटू के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इन्हें भी अपने वीडियो में ले लिया, बहुत कूल लगे मुझे ये अंकल। होटल आने के बाद हम लोग फ्रेश होके फिर हम लोग निकले थे डॉल्फिन पॉइंट के लिए, बट वो समझ में ही नहीं आया कि किधर था, वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे जाना है नहीं जाना है। तो फिर हमने वहाँ से डिसाइड किया था, हमने पहले सोचा था कि हम लोग डॉल्फिन पॉइंट जाएंगे और फिर वहाँ से स्नो पार्क जाएंगे, तो ये दो हमारे डिसाइडेड थे। तो डॉल्फिन पार्क हमें मिला नहीं, तो उसके बाद हम लोग आ गए स्नो पार्क। ये थे उनके एंट्री के कुछ रूल्स और चार्ज जो उन्होंने बाहर लगा के रखा था। अंदर में उनकी तरफ से बूट, सॉक्स, स्वेटर, जैकेट, कैप, ग्लव्स, जो भी सारी चीज़ें होती है सब उनके तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो हम लोगों ने वो कलेक्ट किया, पहना और फिर अंदर जाके एंजॉय किया। मुगल और मिष्टी का पता नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था, मैंने 1 घंटे मस्त वहाँ पे डांस किया है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने सच में लिटरली मैंने बहुत इन्जॉय किया है। अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं बैंगलोर में भी जाऊँगी कभी, क्योंकि मैंने बैंगलोर आने के बाद सबसे पहले यही चेक किया कि यहाँ पर पास में कुछ है कि नहीं ऐसा, और मुझे मिला है कि पास में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं दोबारा जाऊँगी तो आपको ले कर ज़रूर जाऊँगी।
स्नो पार्क के बाद हम लोग गए होटल, होटल में हमने बात कर ली थी और उसी होटल में हम रुके थे। हमने होटल चेंज नहीं किया था। 5 बजे हमने वहाँ से चेकआउट किया और फिर अपने लगेज के साथ हम आ गए अपने चाय के अड्डे पे, मतलब बैठक में। और हमने वहाँ पे चाय लिया, बनमस्का लिया, मिष्टी ने मैगी लिया, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे इंजॉय की। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए पंजिम के लिए। तो पंजिम में हमने स्कूटी वापस की जो हमने रेंट पे लिया था। स्कूटी वापस करने के बाद 7 o'clock हो चुके थे तब तक। तो 7 बजे वहाँ से एक बस थी जो कि हमें सीधे मडगांव रेलवे स्टेशन पे छोड़ती। तो हमने वहाँ से बस लिया और हम लोग आ गए मडगांव। तो ये थी हमारी बस, काफ़ी अच्छी बस थी, एसी बस थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई आने में। फिर हम लोग आ गए मडगांव और मडगांव से हमने गोवा को बोला बाय। तो 11:35 की हमारी ट्रेन थी और हम लोगों ने गोवा को बाय बोल दिया। वापस देखते हैं फिर कब आना होता है गोवा। तो अब हो चुकी है सुबह और थोड़ी देर में हम लोग बैंगलोर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी जर्नी थी ओवरऑल हमारी। हमने इस तरह से ही प्लान की थी, एक्चुअली हमने प्लान नहीं किया था, फिर भी हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हमने किया, तो हमें बहुत मज़ा आया। तो फिर देखते हैं कब आते हैं गोवा। ये हम लोग पहुँच चुके हैं बैंगलोर। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।